वो 99 में लड़ाई में रास्ता देखने के गया था। आर्यन है, हम आर्यन, आर्यन ब्रोकपा का बच्चा, आर्यन का वो नस्ल लेने के लिए आया। और देखो कितनी खूबसूरत टोपी है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और भाई रात को हम रुके जबरदस्त जगह पे। जबरदस्त जगह क्या, आर्यन वैली में विलेज का नाम है दा, जो कि मैंने शाम को यानी कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था, DHA दा। और भाई हमने कैंपिंग कहाँ की, मेरे पीछे आप देख ही रहे होंगे, ये मेरा टेंट है, यहाँ का ये कुछ फ्रूट है, भाई कल बहुत खाया हमने, ये देख रहा होगा आपको। और भाई यहाँ तो यार जन्नत ही जन्नत है, हर चीज़ इतनी प्यारी है। और रुकने का ही मन कर गया मेरा तो आज यहाँ पे, कि यार आज यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा ऊपर घूम के आते हैं, दिखाते हैं। भाई शाम को हमने खाया था खाना यहाँ पे, और मैकबुक को लगा रखा भाई थोड़ा चार्ज, डाटा ट्रांसफर किया था भाई, कुछ ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है भाई, इतना ही घूमना है। तो भाई काफ़ी लोगों ने अपनी पेंटिंग भी लगाई हुई है दीवार पे, हमारे पास कुछ ऐसा है तो नहीं। ये आर्यन लोग से कितने खूबसूरत लग रहे हैं इनकी ड्रेस से, ये जेंट्स की ड्रेस है भाई। इसने भाई कल हमें खाना खिलाया बहुत अच्छे से, और बड़ी सब्जी, सब्जी भी क्या, गोभी, गोभी गाजर, गाजर गोभी गाजर और बहुत स्वादिष्ट थी भाई। थैंक यू। आपका नाम भाई? विजय शर्मा। शर्मा जी हैं। आओ दिखा देते हैं भाई, अब आपको दिखाते हैं यहाँ का विलेज। गाय का यहाँ रुकने की जगह, इसका घर बेड़ा। जय गौ माता। रोटी तो ले नहीं रहा मैं, ना तो आपको रोटी खिलाते। दा विलेज की एक शॉप है ये, ओनली वन शॉप। और यहाँ के तो भाई नज़ारे ही नज़ारे हैं यार, मज़ा आ गया देख के। यहाँ के मकान भी और यहाँ की हरियाली भी, अरे आपको पता हरियाली देख के हम तो दगदग हो जाते हैं। देखो भाई ऐसे ही मकान होते हैं, और पता नहीं भाई हमारे जो साथ में था वो कहाँ घुस गया, कहाँ घुस गया देखते हैं। अरे खाना गर्म कर रहा हूँ, अरे हुआ था, अरे वाह क्या हाल है भाई जी, बस बढ़िया है। कहाँ से हो? अपने ऊपर से बंदे। देखो भाई ये भी होता है छड़ो बंदों का काम, हम भी छड़े ही हैं यार। भाई रोटी बना रहे हैं भाई, रोटी भी तगड़ी है। छज्जू दा चवाड़ा। देखो यार दा विलेज की एक और खूबसूरती, कितना मस्त लग रहा है यहाँ का नज़ारा यार, बात ही लग है यहाँ की तो यार। स्पेशल तोड़ के हमें दिए हैं सर ने, और भाई माता जी पानी को बदल रही है, जैसे अपना हरियाणा में बोलते हैं नाका बदलना, तो माता जी नाका बदल रही है। आपको दिखाते हैं यहाँ का, ये पानी आ रहा भाई, यहाँ से पानी आ रहा था, माता जी ने पानी कर दिया सीधा, बंद कर दिया यहाँ से, अब पानी सीधा जाएगा। ये अपनी फसलों में ये टमाटर, गोभी, गोभी पालक, काफी कुछ धनिया भी है, प्याज भी है, आगे प्याज भी है, खीरा भी है। अरे वाह माता जी, हरा मिर्ची भी है। हाँ जी ये देखो इनको छील के सर निकाल रहे हैं बीज अलग, और इनका ऊपर का सर इनको सुखाते हो आप, फिर ये मार्केट में बेचते हो क्या? लेकिन ये नहीं, ये चीजें मार्केट में और बनेंगे हम अच्छा सा। अच्छा अच्छा सा, और साफ करके, अच्छा साफ करके वो बेचते हो आप? ये तो बकरी जानवर है। अच्छा बकरी जानवर। छोटा चैंप है जो की बहुत शरारती है, बहुत ही ज्यादा। ओए चैंप इधर देख। दोस्तों हम यहाँ पे आपको लेके आए हैं, यहाँ का जो कल्चर है, जो पहनावा है वो दिखाएंगे, और गांव तो आपको थोड़ा बहुत घुमाया, थोड़ा बहुत और घुमाएंगे। और भाई ये है दा विलेज, जो कि हम आपको बार बार बोल चुके हैं,
और अभी आपको ले के चलेंगे अंदर, गेट बंद है, खोल लेते हैं। देखो यार ये इनकी बकरी कितनी प्यारी लग रही है वैसे, है ना। और भाई खा भी क्या रही है, देखो सेब। और यहाँ का कुछ भाई इनका ये हाउस का कपड़े उपड़े रखे हुए हैं, कुछ पानी गर्म का है। और ये है इनका मकान, चलते हैं अंदर और करते हैं इनसे बातें। देखना आप अंधेरा कायम रहे। माने हाँ माने माने मंत्र पढ़ ले, मैं अपने माला फेर ली रब का नाम लैन वाले। बाबा दवाई तो बहुत रखी हुई है आपने। दवाई तो बीमार है नहीं, मैं बीमार पहले हम 99 में लड़ाई में रास्ता देखने के गया था। अच्छा फौजी के साथ। अच्छा बस ठंडा हुआ है, दोनों को बीमार होता है। पर भाई हम आए हुए हैं माता जी के पास और ताऊ जी के पास, और उन्होंने देखो चाय बना के दिया हमें। दोस्तों यहाँ की ड्रेस और यहाँ के कल्चर के बारे में जानते हैं, और जो हमने बात सुनी थी वो सच्ची है या झूठ है उसके बारे में सुन। बूट नहीं पहना वो गलत है, हम लद्दाखियों से अलग है। हाँ जी। हो आप बोधी? बोधी से हम आर्यन है, हम आर्यन। आप आर्यन हो? हाँ जी। और भाषा कौन सी बोलते हो? बच्चा ये हमारा बच्चा अलग है, भाषा तिब्बतन नहीं है आपका? नहीं नहीं नहीं। और भाषा है? और भाषा अलग है हमारा। कौन सी है पता है आपको? पता तो है ना, हम दो अन्य होना जहाँ बात करना चाहिए ना, हम अकेला क्या बात करें। नाम क्या है उसका? चीज का? भाषा का? आर्यन नहीं बोलते उसको? आर्यन ब्रुकपा का बच्चा। ब्रुकपा? हाँ। अच्छा हाँ, वो भाषा का नाम पूछ रहा हूँ मैं। हाँ। जैसे हमारे होता है ना कि जो पंजाबी बोल रहा है हिंदी बोल रहा है वैसे। हाँ। वैसे, वैसे, वैसे। और आप अपने आप को प्योर आर्यन बोलते हो? हाँ। है ना। तो यहाँ पे कितने गांव हैं जिसमें आप शादी करते हो? हमारा होता है ना, हमारा तीन चार गांव है, एक हनु है। हाँ, हनु। एक दा है। एक गारखुन। एक दर्शक। हाँ। हाँ। हम शादी करना तो यही गांव तीनों से करते हैं। आजकल तो बच्चा सब पढ़ने की जम्मू जाता है, दिल्ली जाते हैं, कहीं कहीं जाते, एक दो पहुंच गया बाहर का, नहीं तो गांव वाला बाहर से नहीं लेता है। अच्छा, दो बंदों ने बाहर से शादी की? हाँ, ये दोनों को सामने गली देता है, क्यों लाया, हमारा नस्ल खत्म हो जाएगा बोल के। अच्छा अच्छा, आपका जो प्योर जीन्स है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, आर्यंस का। हाँ जी। नहीं अच्छा, अपना बचाया हुआ इन्होंने कि एक आर्यंस की जो है पहचान वो बचा के रखो, वो अपनी एक पहचान है, चाहे वो हमारे डीएनए की है चाहे हमारी वो ड्रेस की है, उसको बचा के रखो और उसके आगे हम कायम रख सके। हाँ जी। अपने बच्चों को भी दे सके, वो अपने बच्चों को भी दे सके कि देखो ये हमारे हम दूर दूर से बिल्कुल नहीं लाता है ना। हाँ। वो हनु से लाता है, गरखुन से लाता है, दर्शिक से लाता है, बस यही हमारा आर्यन आर्यन से लेता है। हमारा आर्यन एक बोल देने आर्यन में जिन्होंने नहीं पता होगा, हमारा होता है ना अलग भी होता है, डेज लगा कर शादी करने टाइम पर हमारा होता है तीन दिन मिला करना पड़ेगा। एक अच्छा। दिन आएगा रिश्तेदार मामा चाचा सब, ये सब आके लड़की के घर में जाके छांग हाथ में उठाकर सबको जू करना पड़ेगा, खतक लगाना पड़ेगा। अच्छा। इसके बाद सब मिलजुल की शंग जो आपकी दारू है ना, दारू हाँ, वो बनाकर हम सामने इधर दोनों मिल के इस दिन को अच्छा दिन देख के हम मिला करते हैं, शुभ मुहूर्त। हाँ। और बेटा से घर से जाता है 30 बंदा फूल वूल लगा कर लड़की के घर में। अच्छा, 30 होता है वो गरीब, ज्यादा गरीब, और कोई अमीर होता है, अमीर में 30-40 भी जाता है। अच्छा। गरीब को 7 से नीचे तो बिल्कुल नहीं जाता है। हाँ, अच्छा। जो कम से कम 7 लोगों के आपके वो ऊपर लगा होता है फूल। हाँ, यही फूल लगा कर डेज लगा कर सब जाता है, गाना भी होता है अलग अलग। अच्छा। वो आपके सवाल जवाब भी होते हैं जैसे जैसे लड़की वाले आपसे सवाल पूछते हैं। हाँ, वो लद्दाखी में भी देखा है मैंने। ये बोल के हमने शादी के अंतिम उधर जाके गाना लगा कर वो, और मामा होता, मामा पिसा बनना पड़ेगा, इस दिन लड़की हाथ में आएगा ना। हाँ। मामा का हाथ में आएगा वो। हाँ। पिसा बनना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। मामा मुख मेहमान होता थोड़ा। हाँ, मामा को लग जाएगा पिसा, मामा को लग जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। आप अपने आप को जो सिकंदर है, सिकंदर के वंशज हो ना फिर आर्यन? हाँ जी, आर्यन वही हुए ना। हाँ, आर्यन उधर से आ गया, वो रूम रास आ गया। अच्छा। गालो मेलो दूलो। अच्छा। वो आके इधर इतना
फसल इतना गांव हो गया, इतने गांव बस गए, इतना बढ़ गया, नहीं तो आया तो उधर से तीन आ गया, तीन आके, हाँ तीन आके इधर ही लड़की लोग रखा, लड़का खत्म किया। अच्छा, इसका नस्ल बन गया ना। ओके, यहाँ पे जो आम चलता है, हमने पता किया जहाँ वैसे जहाँ YouTube पे देखा कि यहाँ पे फॉरेनर लड़कियाँ भी आती थी, हाँ, कि वो आर्यन जीन्स लेना चाहती हैं, आर्यन बच्चे का वो नस्ल लेने के लिए आया। हाँ, लड़की चार पांच आया पहले पहले, अभी तो नहीं आता है, दो तीन साल हो गए, इतना नहीं, अभी नहीं आता, पहले आता था, पहले आता था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितना कितना टाइम रह के जाता है यहाँ पे? कोई तो एक हफ्ता भी बैठता है, कोई तो एक दो दिन में वापस जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता, जान मिल भी सकता है ना। ठीक है, मतलब कि ये चीज है, झूठ नहीं था। हाँ, झूठ नहीं था, ये झूठ है, ये चीज है, ये बात सच्चाई है, सच्चाई है। देखो बाबा ने है ना पैसे भी लगा रखे हैं, पांच पांच के दिख रहा है ना, एक एक का भी, ये पता नहीं कितने का है, इसमें कुछ लैंग्वेज भी अलग है, ये फिर एक रुपए का, जो अपने पुराने टाइम में आते थे जब हम छोटे छोटे होते थे, तो इसका तो पता नहीं कौन सा है ये रुपया, लेकिन और तो अपने है। और देखो कितनी खूबसूरत टोपी है, हमारा बात बैठेगा ना, वो कहीं कहीं भी फोटो देखेगा, हमारा देश देखेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी खुश होता है, हम का पैसा का जरूर नहीं रखो, नहीं ये तो नहीं बाबा का हम रखो। भाई आपने सुना बाबा की बातें, और बाबा को करते हैं बाय बाय, और इन आशीर्वादियों को भी करते हैं बाय बाय, और कोशिश करते हैं भाई नीचे जाने की आज, क्योंकि नीचे जाके थोड़ी वीडियो अपलोड कर दे, आप देख ही रहे हो, टाइम क्या यार, इंटरनेट मिलता ही नहीं काफ़ी जगह है, अब इंटरनेट नहीं मिलता तो क्या करें फिर, आप समझ ही सकते हो। तो भाई ये थी आर्यन वैली का दा विलेज, और दा विलेज में आपने सुना कुछ अनोखी बातें भी, और यही जानने के लिए मैं आया था, क्योंकि ले से यहाँ आ रहा हूँ मैं, आने जाने का डिस्टेंस मेरा लगभग 140 किलोमीटर के आसपास हो जाता है, क्योंकि ले वहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता था और ये 70 किलोमीटर, समझे आप। और अब वापस जाएंगे सर इन बातों को कन्फर्म करने के लिए और यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए, अल्टीमेट विलेज है भाई, आओ तो ऐसी जगह भी घूम के ज़रूर जाओ, ये मत सोचो सीधा एक ही रूट पकड़ लो, एक ही रूट पे चलते रहो यार, रास्ता रास्ता रास्ता, रास्ते में छोटी छोटी जगह है, घूमो फिरो मौज मस्ती करो। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अभी।